आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप कुछ जॉब वगैरह क्यों नहीं कर रहे? योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल। इनके संस्कार हम में आए हैं इसलिए हम छिपकली जा यार, मेरे को जाने दे बाहर, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, ओए पता नहीं कहाँ चली गई, इधर आ गई है, ओए होई होई चल जा बाहर, बाहर जा, मुझे डर लग रहा है यार, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे आपको दिखाना था। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बस रेडी होने वाली थी लेकिन मुझे अभी बाहर बारिश हो रही है तो मुझे आपको दिखाना था, इतनी अच्छी बारिश लगी है। और बरसात तो मतलब बारिश है बारिश है बारिश है, लेकिन हिमाचल में खूबसूरत तो होती है प्लस डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है कभी कभी जब क्लाउड बर्स्ट एंड ऑल होता है। और अभी रिसेंटली मतलब आज ही न्यूज़ में आया था कि किन्नौर और कुल्लू में बादल फटा है। तो वी शुड प्रे फॉर एवरीवन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी इतना डैमेज हुआ था उसकी वजह से, मतलब अभी तक हिमाचल रिकवर नहीं कर पाया है। और मतलब अब इस साल में भी हमें हर जगह से न्यूज़ सुनने में ही आ रही है कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ये सब ना हो। वी शुड प्रे फॉर दिस, वी शुड प्रे फॉर एवरीवन सेफ्टी। और अभी यहाँ पे तो लगी है बहुत ही अच्छी बारिश, मैं आपको उसका नज़ारा भी दिखाती हूँ, लेकिन ये छिपकली जा ही नहीं रही है और मैं बाहर ही नहीं जा पा रही हूँ। वैसे मुझे छिपकली से इतना डर नहीं लगता है, लेकिन ये कुछ डरावनी जैसी है, इसकी मैं जूम करके फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, मतलब जूम करके शक्ल दिखाती हूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि सच में ही डरावनी है थोड़ी। जैसे मैं बाहर निकाल रही हूँ, थोड़ी देखो ये तो अंदर ही आ गई है और ये जा भी नहीं रही है यार, निकल जा भाई, अब तो ये फोटो आने लगी, भागो। देखो बारिश कितनी अच्छी बारिश हो रही है, से सावन मस्त हवाएं आए, पिया घर आजा जा, पिया घर आजा। भीगने का मन कर रहा है बट अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी दूसरे वाला पार्ट भी तो शूट करने जाना है। तो बस मैं रेडी होती हूँ और सुबह मुझे पिक करने आ जाएंगे, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो फिर अब वो अपने काम से चले जाएंगे और मुझे पिक करके फिर ड्रॉप करके फिर चले जाएंगे अपने काम से। तो अभी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, थोड़ा सा बाल भी स्ट्रेट करने के कि मैंने आगे से ये सब कर रखा है। और हाँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ Q&A का सेकंड पार्ट शूट करने के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर देखो मुझे रहा नहीं जा रहा, जिसे मैं बताने के लिए आपको बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझसे किसी ने पूछा है, मतलब एक क्वेश्चन ये भी था कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे और प्लस 2 में कितने थे, तो 10th का मैं बता देती हूँ, मुझे थे 91%, मतलब 636 मार्क्स थे 700 में से। और प्लस 2 में मेरे 78 के करीब थे, 78% के करीब। प्लस 2 में थोड़ा डाउनफॉल आया था क्योंकि मेरा स्कूल चेंज हुआ था, अदरवाइज मेरे प्लस 1 भी हमारा बोर्ड था, तो प्लस 1 में मेरे 85% थे, मतलब अच्छा परसेंटेज था प्लस 1 में। और प्लस 2 में डाउनफॉल इसीलिए आया क्योंकि हमारा मिड टर्म, मतलब मिड सेशन में हमारा स्कूल चेंज हुआ था, पापा की ट्रांसफ़र हो गई थी और हम लोग ने अर्की से स्विच किया था। पहले मेरी स्कूलिंग अर्की से हुई है और अर्की से स्विच किया है सोलन को, तो वो थोड़ा होता ही है, एक साल मतलब एडजस्ट करने में लग जाता है, तो मेरा तो बोर्ड्स थे तो, पर चलो नेवरदलेस, पर अच्छे मार्क्स थे। और मुझे हर साल ही स्कॉलरशिप मिली है, मतलब हर साल पेट पूजा हुई है 10,000 से, सरकार ने खूब पैसा दिया था। 5th में भी बोर्ड था, 8th में भी बोर्ड था, 10th में भी बोर्ड था, फिर प्लस 1 में भी बोर्ड था, फिर प्लस 2 में भी बोर्ड था, हमने बहुत बोर्ड्स देखे हैं भाई, हमारी पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा बोर्ड्स देखे हैं। तो चलो जल्दी जल्दी रेडी होती हो, वरना शुभम बोलेंगे कि तू लेट कर देती है हमेशा ही। रेडी तो मैं हो गई, लेकिन अभी मैंने मेकअप नहीं किया है, और मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन प्रेप करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले प्राइमर यूज़ करूंगी अपने पोर्स को ब्लर करने के लिए, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर। इट इज लाइट वेट एंड नॉन ग्रीसी, प्लस इट हाइड्स एंड ब्लर्स पोर्स। प्राइमर लग चुका है, अब आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन में मैं आज यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो फुल कवरेज फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 01 आइवरी ग्लो, और ये फाउंडेशन अवेलेबल है टोटल 6 डिफरेंट शेड्स में।
ऑल्सो इट इज एनरिच्ड विद टर्मरिक एंड वाइटामिन सी, प्लस ये देता है 3x तक इंस्टेंट ग्लो विद 12 आवर का हाइड्रेटिंग स्टे। ये मेड सेफ सर्टिफाइड और टॉक्सिन फ्री है। देखो आप क्लियरली देख सकते हो कितनी अच्छी कवरेज इसकी आई है। तो अगर आप भी इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको इजिली मिल जाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल पर और आपके आसपास किसी भी नजदीकी स्टोर पर। तो जब भी आपको नजदीकी स्टोर्स पर मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मिले तो आप मुझे कमेंट या मैसेज जरूर कीजिएगा। मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये हमारी फीडबैक को सुनते हैं और हमारी फीडबैक को वैल्यू भी करते हैं, और उन्हीं फीडबैक के बेसिस पे इन्होंने अनियन बेस शैम्पू में काफी सारे चेंजेस भी लाए। और हाँ, 20% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मामा अर्थ की ऐप या वेबसाइट पर जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ। पहली बार ऑडियंस वेट कर रही है तुम्हारा या मैं भी ऑडियंस का बहुत वेट किया है मैंने। अरे ये रियल वाली पिन नहीं लगाओगी? नहीं अब मैंने कर दिया ना। क्यों तुमने देखे ना कमेंट्स कितना ये लो वाली पिन है, शिवानी की फेवरेट पिन है वो, मेरी फेवरेट है, मैंने बहुत ढूंढी है वो, उनके लिए जितने एफर्ट्स मारे हैं ना इसलिए आप लोगों को अभी वैल्यू बताने लगे। ये पार्सल डिस्पैच होने के लिए रेडी हो चुका है। 5 मिनट बोल के 1 घंटा तुम्हें क्या सजा दी जाए? तुमने 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगाया, सजा मौत। तुम्हें मिमिक करके बताना पड़ेगा दर्शकों को एक बार कि क्या मिमिक, नहीं मिमिक करो कोई किसी कार्टून की मिमिक करके दिखाओ। शिजुका इतनी गंदी शिजुका नहीं है। चलो हेलो 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 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं का है, कौन से बैंक में आप जॉब करते थे पहले? मैं करती थी HDFC में और वो ब्रांच थी सोलन शहर के सुबाथू, एक जगह है सोलन में, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी और मैं डेली अप डाउन करती थी सोलन से सुबाथू के लिए, तो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज़ योर फेवरेट कॉन्टेस्टेंट इन बिग बॉस OTT3? सॉरी यार मैं नहीं देख रही हूँ इसे, और बाकी मुझे पता भी नहीं है कि कौन है, कौन कौन है इसमें। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवानी दी आपका ससुराल कहाँ है? यार ये बहुत क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। मेरा ससुराल है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो है कंदरौर ब्रिज के बिल्कुल, मतलब कंदरौर पुल से हमें लगता है 5 मिनट प्रॉपर। और गांव का नाम मैं, मतलब जो उसके आसपास जो, मतलब जहाँ से रास्ता जाता है वो अवारी है, इतना ही बताऊंगी। इससे ज़्यादा मैं बहुत इस चीज़ में, मैं मेरे को लगता है कि थोड़ा सा प्राइवेसी का रहता है, बट हाँ अवारी के पास में है। कंदरौर वाला जो ब्रिज है वो तो बहुत फेमस ब्रिज है, उससे 5 मिनट ही लगते हैं मेरे ससुराल को। इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमरा अहमद जी के तरफ से, व्हाट्स दैट वन थिंग विच कीप्स योर मैरिड लाइफ गोइंग? देखो फर्स्ट ईयर हर एक की शादी का सबसे टफेस्ट ईयर मैं बोलूँगी कि सबसे मुश्किल होता है पहला साल बिताना। अगर वो बीत गया ना उसके बाद तो आपको, चाहे आपकी लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, सबको मुश्किलें आती है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं और हमारी लाइफ में भी बहुत आए, बट हाँ एक दूसरे के साथ रहने की जो वो इच्छा होती है ना, चाहे तक मतलब चाहे प्रॉब्लम्स कितनी भी आती है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था और अल्टीमेटली वी आर अ हैप्पी फैमिली नाउ, जो कि अब तो बहुत आसान हो चुका है, मतलब अब इतनी दिक्कत नहीं आती है। स्टार्टिंग में बहुत आती थी कि एक दूसरे की आदतें जब मालूम नहीं होती है ना, कि मैं बताती हूँ मुझे सफाई पसंद है, हस्बैंड को नॉर्मल टाइप वाली सफाई पसंद है, लेकिन मुझे कुछ ओवर सफाई पसंद है, आई वुड से दिस, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड को डिफेम करूँ यहाँ पे कि वो मैसी है या कुछ भी है, मैसी भी नहीं है वो, लेकिन वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं ऑर्गेनाइज ज़्यादा हूँ, मतलब ओवर ऑर्गेनाइज हूँ, तो वो मतलब ये कंसिडर कर सकते हो हाई मेंटेनेंस आया है। जब एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा होती है ना तो आप, मुझे लगता है कोई भी आप हर्डल्स को आप पार कर ही लेते हो, थोड़ा टाइम लगता है और एक दूसरे को स्पेस देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, और अब आई थिंक कि मैं अब इस मतलब इस पोजीशन में अब मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि हाँ अब हम एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे हैं कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर के,
क्योंकि पिछले साल में तो मुझे पता है कि हमारा मतलब हम टॉम एंड जेरी रहते थे हर वक्त बने हुए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शादी बहुत गहरा समुद्र है, आग का दरिया है मेरी जान, डूब के जाना है। वो वाली बात है कि एक गहरा समुद्र है, जितना भी जाओगे उतना ही और कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं एक दूसरे से भी। और मैं अपने हस्बैंड की दो, मैंने ये चीज़ें कभी बोली नहीं है, मैंने कभी बताया नहीं अपने हस्बैंड को, लेकिन मैं अपने हस्बैंड की नॉलेज की, दिमाग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कि हम दोनों को आदत है न्यूज़ देखने की, जो कि एक बहुत अच्छी आदत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर योर एस्पिरेशन दैट यू वांट टू एस होना था। तो मेरी एस्पिरेशन यही है कि मैं एक मतलब कुछ ऐसी इंसान बनूं जिससे लोग सीखे, बहुत चीज़ें सीखे। मतलब ये समझ लो कि मैं अगर किसी एक को भी थोड़ी अच्छी चीज़ सिखा पाई ना, तो आई थिंक कि मेरा ये सक्सेस है मेरी लाइफ की। इस तरह से मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। तो ये मेरी अल्टीमेट, यही मेरी एस्पिरेशंस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर हॉबीज, मुझे सोना बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि मैं अभी भी मतलब सो के उठ के ही आई हूँ। मतलब यार स्लीपिंग इज द सुकून। बट हाँ, मेरी हॉबीज़ कुकिंग भी है, जो कि बहुत मेरे क्लोज वंस को पता है। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और बैडमिंटन खेलना पसंद है। डांस करना मेरा सबसे फेवरेट हॉबी है, सबसे ज़्यादा पसंद है। जब मैं दुखी होती हूँ, जब मैं खुश हूँ या दुखी भी हूँ, तो भी मैं अगर मैं डांस लग जाऊँ करना, तो मैं सब दुख भूल जाती हूँ। कसम से मेरा डांस हॉबी है, फेवरेट मोस्ट हॉबी है मेरी डांस। तो अब है अगला क्वेश्चन नहीं है कुछ, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। लव फ्रॉम कांगड़ा हिमाचल, माही डॉट डॉल का है ये। तो हस्बैंड भी पहुंच चुके हैं अभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप बड़े हो या रजत, इसका मैं आंसर कर चुकी हूँ, मैं बड़ी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हे शिवानी, आपका कोई ऐसा सीक्रेट बताओ जो आपने किसी को नहीं बताया है। हेलो समृद्धि, ऐसे सीक्रेट वैसे मेरे और मेरे भाई के होते, क्योंकि हम बहुत चीज़ें करते थे ऐसी बचपन में, जिनके लिए हम कभी किसी को बताते भी नहीं थे, और बेचारा फंस हो जाता था। और मतलब आई एम सॉरी रजत, मैंने हमेशा तुझे फंसवाया है, क्योंकि मैं बोली सी सूरत बना देती थी और वो शरारती था, तो वो फंस जाता था और उसे थप्पड़ पड़ जाते थे। नहीं, उसे थप्पड़ भी नहीं पड़े हमें कभी नहीं। तो यही सीक्रेट है। और हाँ, एक और चीज़ है कि मुझे आज दिन तक, मतलब स्कूल में मुझे 12th क्लास तक कभी मार नहीं पड़ी है, चाहे वो स्टडीज़ को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, मुझे कभी मार नहीं पड़ी है। तो ये भी एक सीक्रेट है। हाँ, सीख, ये मैंने बताया ना, मैं अपने हस्बैंड के दिमाग की बहुत ज्यादा फैन हूँ। तुम भी आना चाहोगे? कैमरा एंगल परफेक्ट है। तो आई शुड गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हे शिवानी, आप अर्की में कहाँ से है? अर्की में हूँ एक विलेज से जो है बहुत अर्की के पास, ये समझ लो। अगला है, शिवानी दी, आप बेबी प्लान कब कर रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया है। अब बेबी प्लान का देखो, अभी के लिए तो नहीं है, थोड़ा एक स्टेबिलिटी आ जाए हम दोनों में, प्लस हम दोनों भी प्रॉपरली एक दूसरे को, अब तो मैंने बताया ना कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लग गए, लेकिन थोड़ा अभी है, थोड़ी कसर, वो तो गॉड के प्लान होंगे ना जो, तो जैसा भी होगा वो आपको ब्लॉग्स देखते रहोगे तो आपको सब पता लगता रहेगा, पर अभी नहीं है। आप मुझे शर्म लगा रहे हो यार, ऐसा मत पूछा करो, घर वाले भी देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप नाहन में कहाँ रहते हो? राजपूत अंकिता जी का क्वेश्चन है, और नाहन में रहते हैं हम लोग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। तो बस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो शिवानी दी, लव योर व्लॉग्स, लव फ्रॉम दिल्ली, व्हेन इज योर बर्थडे? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझसे जब कोई पूछता है ना, और जब मेरा बर्थडे पास आ रहा होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत सारी विशेज लेना बहुत पसंद है, और मेरा बर्थडे बिल्कुल पास आ रहा है।
और शुभम के लिए और मेरे घर वालों के लिए वो मतलब चिंता का विषय बन चुका होता है, क्योंकि मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ सबसे, मतलब चाहे वो मेरा भाई हो, भाभी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे ससुराल वाले क्यों ना हो, मैं सबसे इतना हाई एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ और कोई मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है। मेरा बर्थडे है 15 अगस्त, उतर भी नहीं सकता है। तुम बाहर जाओ, ऑफिस के काम से जाओ, तुम मेरा क्यों है ना खराब कर दोगे। मेरा बर्थडे आ रहा है 15 अगस्त को, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना और ढेर सारी विशेस और ढेर सारा प्यार भी देना, और ट्राई करो कि यार मेरे को बर्थडे तक यार 1 लाख वाला अगर गिफ्ट मिल गया ना, कसम से मैं हंसूंगी, हाँ 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 करके हंसूंगी, रोऊंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट अबाउट रेन इन नाहन। यार डेली रेन, मतलब डेली बारिश हो रही है और इतना अच्छा वेदर हुआ है। मैं सोलन को भी आजकल तो ज़रा भी मिस नहीं कर रही हूँ, गर्मियों में किया था मैंने बहुत मिस, लेकिन यहाँ पे सोलन जैसे ही फॉग आ जाती है, सोलन जैसा ही वेदर हो जाता है, ठंडा ठंडा, गर्मी नहीं है और बहुत ही अच्छा वेदर हुआ है आजकल तो। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वट यू हैव डन इन योर स्टडीज, वो मैं बता चुकी हूँ, मैंने बीटेक किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल जी का है ये क्वेश्चन, वेयर इज योर इन लॉज हाउस, आर यू प्रेगनेंट। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ कि नहीं, और वेयर इज योर इन लॉज हाउस ये भी मैं बता चुकी हूँ, उनका घर है बिलासपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल में ही पड़ता है, मतलब तो हिमाचल वाला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया, आपके ससुर में क्यों नहीं रहते, अच्छा आपके ससुराल में क्यों नहीं रहते लिखना होगा इन्होंने, श्रेया जी का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ससुराल मेरा बिलासपुर में पड़ता है और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन में, तो इसलिए नहीं रहते, हम लोग यहाँ रहते हैं और हमारे घर से और यहाँ तक का डिस्टेंस है 110-120 किलोमीटर, हाँ 220 है, तो हमें 3-4 घंटे लगते हैं ना चंडीगढ़ वाले से, तो अब ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज योर नेक्स्ट ट्रैवल प्लान्स, योर ट्रैवल व्लॉग्स आर डिलाइट टू आवर आईज, रुमानी गोगोई। थैंक यू सो मच, मतलब किसी ने अप्रिशिएट किया ये चीज़, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आप लोगों को अच्छा लगता है जब हम मतलब ऐसा ट्रैवलिंग का कुछ दिखाती हूँ मैं। तो नेक्स्ट ट्रैवल प्लान्स, हाँ हम सोच तो रहे थे मेरे बर्थडे के लिए, लेट्स सी अगर वो पॉसिबल हो पाता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन योर फैमिली मेम्बर्स हु यू लाइक मोर, तो कौन सी वाली फैमिली की बात कर रहे हैं आप लोग, ससुराल वाली फैमिली या फिर मायके वाली फैमिली। यार ऐसा तो मैं डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकती, ना ही ससुराल वाली मैं कर पाऊँगी ना ही मायके वाली मैं कर पाऊँगी, तो बस यही है, मतलब इसका आंसर तो नहीं हो सकता। पांच उंगलियाँ एक बराबर होती है हाथ की, इसमें पिंच करेंगे तो भी दर्द होएगी, दूसरी में करेंगे तो भी दर्द होएगी, तो सब एक बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कर दिए मैंने क्या आंसर, सारे हो गए शायद, आई गेस सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, या मैंने कोई स्किप कर दिया हो तो हाँ कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में आंसर करेंगे अब। तो आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस का मतलब मैं जितना अच्छे से कर सकती थी मैंने आंसर किया है सभी के क्वेश्चंस का, और जिनके रह गए हैं अब मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट ब्लॉग्स में दूंगी। और सबसे अच्छा क्वेश्चन किसका लगा आपको, और सबसे अच्छा आंसर मैंने कौन से क्वेश्चन का दिया है वो भी बताना। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना, और मेरे बर्थडे का गिफ्ट दे दो मुझे, 1 लाख करवा दो यार सब्सक्राइबर, कष्ट कर दो थोड़ा सा अपने हाथों को और अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, सबको स्प्रेड करो जितना हो सके। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ शिवानी रिपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ शिवानी शर्मा रिपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पैकअप टाइम, पैकअप, छुट्टी, तुम्हारे को हाफ डे की सैलरी काटूंगी आज, आज तुम्हारी आधे दिन की सैलरी काटेगा ये मालिक ये मालिक काट देगा तुम्हारी सैलरी, ये मालिक बहुत कंजूस है, बोलो सब्सक्राइबर्स को बताओ कंजूस है, तो कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ हीरोइन शिवानी शर्मा रिपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, सायनारा, गुड नाइट।
और बता दो लोगों को, अब बता दो कि मैं तुम्हारी वाइफ कितनी मेहनती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनती है। और तुम क्या चाहते हो बर्थडे गिफ्ट क्या? अगर मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख हो गए ना बर्थडे से पहले पहले, तो मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, ना मैं घर वालों को प्रेशर दूंगी, ना मैं घर वालों पे प्रेशराइज करूंगी कि मेरे को बर्थडे, और ना मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज करूंगी। तो ये दोनों पार्टीज बच जाएगी। तुम पीछे से प्लीज़ प्लीज़ बोल सकते हो कि प्लीज़ कर दो, मुझे बचा लो। अगर आप मुश्किल में हो तो एक हाथ उठाओ, अगर आप मुश्किल में हो तो दोनों हाथ उठ रहे हैं। तो आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर कर सकते हो। तुमने अब ढंग से ब्लॉग बनाऊंगी यार, बर्थडे तक तो होना चाहिए 1 लाख। फिर देखो, मैं इस बारी पक्का प्रॉमिस रहा कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और मैं बर्थडे गिफ्ट भी नहीं लूंगी हस्बैंड से। चलो दोस्तों, मम्मी पापा से नहीं लूंगी, हस्बैंड से ले लूंगी। चलो, इतना बोल रहे हो आप, मुझे बचाओ। मुश्किल, मुझे बचाओ।